सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। विशाल पांडे ने एविक्शन के बाद इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने अरमान मलिक पर तंज कसा है और भी बहुत कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इंटरनेट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। विशाल पांडे ने हाल ही में एक बातचीत में उन घटनाओं को याद किया है जो कि पायल मलिक के चौंकाने वाले दावों के बाद सामने आई थी। दरअसल इन्फ्लुएंसर ने कहा था कि इस घटना ने लोगों के उनके प्रति व्यवहार को काफ़ी हद तक बदल दिया। शो में कई लोगों ने उनसे बात करनी बंद कर दी थी। विशाल ने कहा कि लवकेश कटारिया, सना मकबूल और शिवानी को छोड़कर कोई भी मेरे साथ नहीं बैठता था, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। वो मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। ये बहुत मुश्किल टाइम था, मुझे घुटन महसूस होती थी, मेरे किरदार पर कॉमेंट किया गया था। विशाल पांडे ने इस बात का खुलासा किया कि बिग बॉस के घर में कई कंटेस्टेंट्स ने उन पर ये भी कॉमेंट किया कि उनकी वजह से लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं और उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। शो में खुद को लेकर हो रहे इस तरह के रवैये की वजह से विशाल अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये हुआ मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा करियर खत्म हो गया, मेरे सपने चकनाचूर हो गए, मुझे लगा कि लोग मेरे साथ कोई काम नहीं करेंगे। वहीं ये बात परेशान कर रही थी लेकिन मैंने किसी तरह इसे खुद को संभाला, विशाल ने ये कहा। थप्पड़ कांड को लेकर विशाल ने स्वीकार किया कि घटना के बाद वो इतने गुस्से में थे कि वो बदले में अरमान को थप्पड़ मारना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसके बारे में कई बार सोचा और मुझे हर दिन उसे थप्पड़ मारने का मन करता था, मेरा खून खौल रहा था। लेकिन मैं अपने वैल्यूज़ को जानता हूँ, मैं अपनी तमीज़ को जानता हूँ, मैं उसके स्तर तक नहीं गिर सकता। मैं शो के महत्व को जानता हूँ, मैं लोगों का सम्मान करना जानता हूँ। विशाल ने आगे ये भी कहा कि मैं थप्पड़ की वजह से दुखी नहीं था बल्कि मुझे थप्पड़ मारे जाने की वजह से दुखी था। इससे मेरे चरित्र पर सवाल खड़े हो गए थे, ये बहुत बुरा था। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं ऐसा ही रहा हूँ। मैं खुद से कहता रहा कि मैं मजबूत हूँ। जब मैं शो में आया तो मैं बहुत आश्वस्त था लेकिन इस घटना के बाद मैं टूट गया। फिर मेरे माता पिता वीकेंड का वार पर आए, चीज़ें बेहतर हुई, मैं अपने इरादे जानता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी माँ मेरे इरादे जानती है, मैं गलत नहीं कर सकता। जी हाँ, ये है विशाल के बयान जो कि उन्होंने खुलकर दिए हैं और अरमान को खूब इनमें लताड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और इस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।